गुड इवनिंग एवरी वन आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस दे फ्यूज टूगैदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल्डॉट राइट दिस इफ यू सी दिस जयगॉट इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस और मेल प्रो न्यूक्लियस यानी कि मेल गैमिट के साथ साथ जो है न्यूक्लियस के साथ अ अलोंग विद न्यूक्लियस सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो एंटर्स द ओवम एग में जो है मेल गैमिट का सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया भी एंटर कर जाता है टू फॉर्म अ डिप्लॉयड राइट नो इसका अब फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायोट और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो राइट वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज डिप्लॉयड इज रिस्टोर राइट अभी तक जो गैमिट है एन थे अब वो एन प्लस एन बन के डिप्लॉयड बन गए यानी कि जो नॉर्मल उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्टोर हो गई है सेकेंड थिंग इज जो ऊ जेनेसिस है ऊ जेनेस यू नो ऊ जेनेसिस के दौरान एक सेकेंड मैचोरेशन डिविजन होता है वो सेकेंड मैचोरेशन डिवीजन कब कम्प्लीट होता है ओनली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल प्रो न्यूक्लियस विद द फीमेल यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो कम्प्लीट होता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी है सेकेंडरी पोलर साइट है वो रिलीज की जाती है फ्रॉम द एग यानी कि ओजेनेसिस कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि तुम्हें ये पता है कि ये जो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजम फीमेल गैमिट के हैं म्यूसिस के कारण ये नया कॉम्बिनेशन है राइट क्रॉसिंग ओवर हो रही है और क्रोमोजम का भी अलग सेट है सेम विथ मेल गैमिट उसमें भी जो ये एन है इसमें जो क्रोमोजोम सेट है वो भी डिफरेंट है आधे पे आधे पैटर्नल की तरफ के आधे मेटरनल की तरफ से और जीन्स की भी आपस में क्रॉसिंग ओवर होगी यानी कि ऑल टुगेदर एक ये जो टू एन सेट बना है ये नया सेट बना है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि नाव वी हैव अ न्यूक्लियस वी हैव अगोट विद न्यू जेनेट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और इस तरह के नए जेनेटिगरी कॉम्बिनेशन जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं यानी कि इवोल्यूशन uh, के लिए बहुत ही ज़रूरी है राइट फोर्थ थिंग जैसे मैंने भी बताया कि सेंट्रियोल जैसे ही मेल कैमिट का सेंट्रियोल एंटर करता है एग uh, के अंदर तो क्या होता है कि तुम्हें पता है सेंट्रुल क्या फॉर्म करता है स्पेंडल फॉर्म करता है और स्पेंडल फॉर्मेशन जो है इट इज साइन ऑफ इनिशियन ऑफ सेल डिवीजन राइट यानी कि सेल डिजन इनिशिएट हो जाता विद द एंट्री ऑफ देंट्रूल अलॉन्ग विद्रफ यू कैन से मेल गैमिट ठीक है अगला इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेक्स ऑफ द जायगॉट है वो डिटरमाइन हो जाता है क्योंकि एक्स और वाई जो सेक्स क्रोमोजोम उसके कॉम्बिनेशन का पता चलता ये एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है कि एक्स वाई कॉम्बिनेशन उससे जो है सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड राइट जैसा कि मैंने बताया कि माइटो कॉन्ट्री आल्सो एंटर्स अलॉन्ग विद द मेल गैमिट इन द एग तो माइटो की एंट्री से क्या हो जाता है कि नाउ मोर नंबर ऑफ माइटोकट्री आर अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए टीपी द सेल बिकम्स मोर तीसरा ये है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होगी और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो होने से क्या होगा कि दूसरे और स्पर्म जो है वो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते यानी कि दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉली स्पर्मिंग तो इस तरह अब आप देखो कि ये जो है सेवन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेज है विच आर फॉर यू नो अचीव ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ये फर्टिला फर्टिलाइजेशन होने से ये यू नो ऑल दिस सेवन इवेंट्स कुड टेक प्लेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो राइट दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास थैंक यू वेरी मच